देखिए इसको कितना अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ मैं इसको ब्रश करके रखूंगी ताकि इसके। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे जैसे हमारा बच्चा ग्रो करता है और उनके दांत आने लगते हैं तो हमारा एक टेंशन और होता है कि हम क्या किस तरीके से बच्चे को टूथब्रश इंट्रोड्यूस कराएं, किस तरीके से उसको टूथ पेस्ट के लिए यूज़ टू कराएं और किस तरीके से हम उसे एक इस रूटीन में लेकर आएं कि वो भी हमारी तरह एक नॉर्मली डेली रूटीन में ब्रश करना स्टार्ट कर दे। तो सबसे ज़्यादा टफ़ चीज़ यही होती है कि ब्रश किस तरीके से स्टार्ट कराना है और क्या अच्छे प्रोडक्ट के साथ यूज़ कराना है, क्योंकि बच्चों के दांत आप सभी जानते हैं एक साथ तो आते नहीं हैं, धीरे धीरे दांत आते हैं। तो जब भी आप टूथब्रश स्टार्ट करा रहे हो उन्हें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके सारे दांत आ चुके हों। तो एक ये नर्वसनेस रहती है पेरेंट्स के अंदर कि कहीं हम उसे अगर 10-12 टीथ्स में अगर हम उसे ब्रश स्टार्ट करा देंगे तो कहीं उनके गम्स पे हर्ट तो नहीं होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन हर पेरेंट्स के मन में आता है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ ही मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू भी करूँगी कि किस प्रोडक्ट को मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ कर रही हूँ और किस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है एक अच्छे वीडियो को बनाने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि बच्चे अब 12 प्लस मंथ्स जब बच्चे हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट वो हमारी तरह हर तरह का मील लेना शुरू कर देते हैं। सॉलिड फूड लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं और पास्ता वगैरह भी बच्चे खाते ही हैं। तो जब उन्होंने एक प्रॉपर मील लेना शुरू कर दिया है तो और उनके प्लस टीथ हो चुके हैं तो आपने उनका ओरल केयर का ध्यान देना शुरू कर देना है। दूसरा, उनको भी एक नॉर्मल रूटीन में लेके आना है। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि उनके लिए आप प्रोडक्ट जो है वो अच्छा सिलेक्ट कर रहे हो ताकि बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो और बच्चा भी धीरे धीरे इन चीज़ों की रूटीन में आना शुरू कर दे। और दूसरी बात ये कि अगर उनको कोई भी तरह का टूथ डिके हो जाता है, अगर कोई भी उनके मिल्क वाले दांत ख़राब हो जाते हैं तो देखिए दांत में अगर कीड़ा लग गया, कैविटीज़ हो गया तो इससे तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। तो इससे बेटर है कि आप उनके दांतों का ध्यान रखें और ज़रूर ये ध्यान रखें, क्योंकि मेरी बेबी के डॉक्टर ने ये मुझे सजेस्ट किया है कि दिन में दो बार आप उसको सुबह एक बार जब आप सोने बच्चा आपका जा रहा है तब एक बार उसको आप उसके टीथ को क्लीन कर दो ताकि बच्चे ने जो भी खाया है वो जो है उसके माउथ में वो सेट ना रहे और उसका जो ओरल केयर है उसका भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सके। तो जब मेरी बेबी 12 मंथ्स की थी, यानी जब उसने अपना 1 ईयर ओल्ड कंप्लीट किया था, तब मैंने उसके डॉक्टर से बात किया था टूथपेस्ट के और टूथब्रश के रिगार्डिंग, क्या मैं उसको ब्रश इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। तो क्योंकि मेरी बेटी के दांत थोड़े लेट आए थे और उस टाइम पे उसके जस्ट 4 टीथ्स थे, 4 या 5 टीथ्स थे, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने यही बोला था कि अभी आप इसको टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस मत करवाइए और जस्ट आप उसको हाथ से एक सिलिकॉन का वो आता है, आप जस्ट उसको उसे क्लीन कर दीजिए। तो जैसे कि पहले की मदर्स करती थी बच्चों के टंग को क्लीन करने के लिए एक सॉफ्ट एक क्लीन क्लोथ लेकर उनकी जीभ के ऊपर क्लीनिंग करती थी ताकि बच्चों की जीभ के ऊपर जो मिल्क का एक कोट एक परत जो बन जाती है उसको क्लीन करने के लिए हटाने, तो उसी क्लोथ से जस्ट हम उसके गम्स को जो है वो क्लीन कर दिया करते थे। बट एट प्रेजेंट मेरी बेटी अब 17 मंथ्स की हो चुकी है और एट प्रेजेंट उसके ऑलमोस्ट 10 टीथ आ चुके हैं। तो जब हमने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने जो हमें सजेस्ट किया टूथपेस्ट, वो हमने टूथपेस्ट ये वाला लिया है, मामा अर्थ का टूथपेस्ट हमने लिया है। उसके लिए डॉक्टर ने हमें यही बोला कि मेक श्योर आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट लीजिए, ध्यान रखिएगा कि वो फ्लोराइड फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े जिस पेस्ट को यूज़ करते हैं उसमें फ्लोराइड रहता है, अगर बच्चा उसको घोट लेता है तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो फ्लोराइड फ्री हो जाने से यही चीज़ होती है कि अगर बच्चे ने उसको निगल भी लिया है तो एटलीस्ट उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस मामा अर्थ की अच्छी बात यही होती है कि यह 100% नेचुरल होता है। तो मैंने ये वाला पैक लिया था, तो जैसा कि पहले भी अपनी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट क्राई आपके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इस तरह के पैकेट में
आता है फर्स्ट फ्राई की इस तरह के पैकेट में आता है, तो इस पे से मैं ये परचेज कर लेती हूँ। प्लस मैंने इसी ये 50 ग्राम्स का था और अकॉर्डिंग टू दिस टूथपेस्ट ये 12 प्लस मंथ बेबी के लिए है और 4 साल तक के बच्चे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने अभी बेबी के लिए यही टूथपेस्ट परचेज किया है। इसके साथ साथ मैंने बेबी हग का डेंटल ट्रेनिंग सेट लिया है। ये 3 पीस का टूल के साथ ये है, ये अपनी बेबी के लिए मैंने परचेज़ किया है। इससे पहले जब बेबी मेरी 12 मंथ की थी उस टाइम पे मैंने उसको टूथब्रश इंट्रोड्यूस नहीं कराया था और वही जैसे मैंने आपको बताया क्लोथ के थ्रू हम उसकी उसको क्लीन कर दिया करते थे। बट ये जो हमारा ये वाला जो ब्रश है मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 3 टूल हैं। ये ट्रेनिंग इसमें आप बच्चे की ट्रेनिंग भी करवा सकते हो, उसकी टंग को क्लीन भी कर सकते हो और जो इसमें पर्टिकुलर एक टूथब्रश है उससे आप उस पर हल्का सा टूथपेस्ट लगा के उसकी टीथ को पूरा अच्छे तरीके से क्लीन भी कर सकते हो। तो ये 3 टूल के सेट में आता है ये। और ये देखिए ये टंग क्लीनर है, आप मेरे हैंड के अकॉर्डिंगली इसका साइज देख सकते हो, ये इतना बड़ा है। और इसमें टंग क्लीनर में मेरे पास और भी ऑप्शंस थे। एक मैंने ऑप्शन देखा था उसकी स्टिक ये काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और लंबी होने का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उसका क्लीनिंग वाला है वो ऐसे थोड़ा सा लंबा करके था, तो वो भी आप अपनी बेबी के लिए ले सकते हैं। बट क्योंकि मेरी बेबी के माउथ जो है वो छोटे हैं तो मुझे शायद वो कम्फर्टेबल नहीं लगा, तो मैंने ये कर्वी टाइप्स का ले लिया। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बच्चे के टंग के ऊपर इसको डायरेक्टली इस तरीके से अप्लाई करके इसको बाहर की तरफ आपने क्लीन करना है बहुत लाइटली। इसके साथ साथ इसमें एक इस तरीके का डबल साइडेड टाइप का ये ब्रश है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इससे 6 मंथ प्लस बच्चे के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि और जो बच्चों के कुछ जैसे दांत आ चुके हैं और कुछ दांत नहीं आए हुए हैं तो वो उनकी गम्स पे भी जब ये इस तरीके से वो बच्चे उसको अपने मुंह में लेके करेंगे या आप उसको करवाओगे तो उसको अपने गम्स के लिए भी बहुत रिलैक्स महसूस होगा, तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। अब आते हैं टूथब्रश के ऊपर जिससे आप अपने बच्चे के दांत को भी क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये चीज़ मैं अपनी बेबी को दे दूँगी ताकि ये अपने हिसाब से वो उसको अपने गम्स को और एक टीथिंग ट्रेनिंग भी उसको मिल जाएगी, टीथिंग का भी काम करेगी और ब्रशिंग का भी काम करे, ब्रशिंग ट्रेनिंग के लिए भी काम करेगी। तो ये जब मैं उसको दूँगी तो साथ साथ मैं क्या करूँगी, इस ब्रश के ऊपर जस्ट पी साइज्ड पेस्ट, बच्चों को जितना हो सके उतना कम पेस्ट दीजिए क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पेस्ट लेने की, ताकि अगर वो निगल भी रहे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट उनके पेट में नहीं जाना चाहिए। जस्ट पी साइज के ऊपर मैं पेस्ट अप्लाई करूँगी और जब वो इसके साथ खेल रही होगी तो मैं उसको लाइट लाइट जहाँ भी उसके टीथ आ चुके हैं उस पर क्लीन कर दिया करूँगी इससे। तो एक इसके साथ साथ ये मटेरियल है, इसको एक इसमें ये सर्कल टाइप दिया हुआ है ताकि आप इसको यहाँ पे सेट कर दें और यहाँ पे रख दें ताकि अगर बच्चा अपने आप खेल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा इसको ये अपने मुंह में ना लेके जाए क्योंकि उससे बच्चों को थोड़ा सा वॉमिट होने का या फिर अंदर चोकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए ये टूल दिया हुआ है। तो मुझे ये टूल बहुत अच्छा लगा, साथ साथ मैं इसका वीडियो भी आपको डालूंगी किस तरीके से मैंने बच्चे को ये इंट्रोड्यूस कराया है इससे और किस तरीके से मैंने ये प्रोडक्ट उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो जैसा कि अभी मैं प्रोडक्ट को अभी मैंने जस्ट ओपन ही किया है तो बिफोर यूज़ मैं एक बार इसको स्टेरलाइज कर लूँगी एक वॉर्म वाटर में। ये पानी गर्म है और इसमें मैंने इसको एक बार स्टेरलाइज कर लिया है, अब मैं अपनी बेबी को इसको यूज़ कराऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि इस टूथब्रश में सिर्फ इतना सा पेस्ट, बहुत थोड़ा सा पेस्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए कितनी एक्साइटेड है ये देखिए इसको कितना अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ मैं इसको ब्रश भी कराती रहूंगी ताकि इसके टीथ क्लीन हो जाए।
रुको रुको, खाखा नहीं करना इससे। इसको काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा, ये मैं फर्स्ट टाइम इसको एक टूथपेस्ट के साथ ये ब्रश में इसके दांतों में अप्लाई कर रही हूँ। टूथब्रश बिल्कुल बीबी फ्री है। देखिए छोटे बच्चों को ब्रश इसलिए नहीं कराना कि आप उसे ब्रश करा रहे हो, एक उनको इसके साथ बिल्कुल खेल ही दीजिए ताकि वो इसको एंजॉय करे और साथ साथ वो सीखते ही रहे। ये देखिए ये जो टूल है इसको इस तरीके से सेट कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे के मुंह में ना जाए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर के भी चार दांत आए हैं, नीचे के चार दांत आए हैं और यहाँ वाले इसके दोनों टूथ आ चुके हैं। हाँ अभी तो इसको स्पिट करना नहीं आता है बट मैं जरूर इसको ट्राई कराऊंगी ताकि एंड ऑल्सो वन थिंग, अभी तो जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा एक मतलब जितना मैंने आपको बताया था उससे भी शायद कम मैंने टूथपेस्ट लिया था। बट ध्यान रखें जब भी आप बेबी को जब क्लीन करा रहे हैं तो आप आरो का वाटर ही यूज़ करें क्योंकि बच्चा स्पिट करना जानता नहीं है। तो ये मान के आप चलिए कि जो भी आप उसके माउथ में दे रहे हैं वो निकल के ही उसको कम्प्लीट करेगा अपने प्रोसेस को। तो ये है टंग क्लीनर, क्योंकि अभी इसका टंग क्लीन है ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में किया था, तो लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आ करो बेटू, आ करो, आ करो, टंगी टंगी टंग 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 आ करो। तो इसको बेबी के माउथ में इस तरीके से लेके आपने टंग क्लीनिंग करना है और इसको वॉश कर लेना है। ब्रश कराने का यही रहता है, कोई भी अगर बेबी को, कोई भी मदर अगर बेबी को अगर ट्राई करा रही है ब्रश कराने का, तो आप कोशिश करो कि मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हो तो साथ में आपने उसको भी पकड़ा दिया ताकि आप भी कर रहे हो वो भी आपको देख के दें। तो एक टीनिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको वो इन्जॉय कर रहा है और टाइमली उसको सीख भी लेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा, अगर आपको भी मेरा प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ कर रही हूँ अगर वो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बेस्ट लगा, अगर आप उसे परचेस करके अगर अपने बेबी के ऊपर अप्लाई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।